अष्टावधान जागृत अष्ट प्रदान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस चौवासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। Thank you.
श्री की गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कल की पूजा महाशिवरात्रि के शुभ बेला पे एवं आज शिवाजी जयंती की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रशांत सर जी एवं निशांत सर एवं आनंद सर की अनुशा जी का कोटेशन आभार व्यक्त करता हूँ। एवं कल का जो संचालन अध्यक्षता माननीय श्री श्रद्धम पांडे भैया जी के नेतृत्व में जो संपन्न कराया गया महाशिवरात्रि एकदम भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। आप सभी का जो सहयोग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ उसके लिए कोटेशन आभार जो भी जुड़िया है। भाई जो भी जूनियर इतना सुंदर डेकोरेशन किए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आपकी मेहनत का रंग लाई है, काफी तारीफ किए गए, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। आज की शिवाजी जयंती पे वैसे प्रकाश लाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद एक प्रकाश के समान है जिनसे हम प्रेरणा पुंज है, हमको उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। उनकी माता जी ने वीर शिवाजी पालनहार बुराई जिससे डरकर भागे ऐसी गूंजी है उनका। चीजें जहां से स्टार्ट होती हैं, जैसा लगता है हम लोगों को कि वहां से स्टार्ट हुई है, जैसे घर की नींव का होता है, हमें लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर से उसकी नींव स्टार्ट होती है, लेकिन उसके नीचे जमीन के नीचे उसकी नींव कितनी गहराई तक गई होती है वो हम लोग देख नहीं पाते। यहां पर भी वीर छत्रपति शिवाजी उनकी गुणगान उनकी गाथाएं हम लोगों ने बहुत सुनी है और इतने ज्यादा सुन लेते हैं हम लोग, उसको दबाने के लिए भी कई सारे लोगों ने इतिहासकारों ने हम लोगों को दिखाया लिखाया भी नहीं, लेकिन उसके पीछे की जो नींव थी माता जीजामाई उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कम ही सुना। मजाक मजाक में एक कहावत है कि खंडहर बता रहा है कि इमारत बुलंद हो। आज से 300 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था शिवाजी के जमाने से उस चीज को आज भी हम लोग बोलते हैं और वो इतने ढंग से बोल रहे हैं कि
उनकी सारी की सारी गुणगान और गाथाएं हम लोग आज भी अपने हृदय में संजोए हुए कि उनकी माता जो थी उन्होंने उनको ग्रंथ सिखाए थे, रामायण, महाभारत, गीता। हम लोग को डेली यूज में चीजों में क्या लगता है, हाँ ठीक है भाई रामायण पढ़ाया होगा, क्या कर लिया होगा उसने, लेकिन फिर जो रामायण के दर्शन की बातों को हो, दर्शन की बातें होगी कि रामायण में कैसे एक पिता ने अपने पुत्र के बल जाने के वजह से प्राण त्याग किए। आज हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा अलग हो गया, बाप आराम से अपनी ऐस से जिंदगी गुजार रहा है। जिस माता ने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया, उस माता कैकेयी को राम जी ने कभी भी पूरे लाइफ में एक अपशब्द तक नहीं कहा। ये सब चीजें जब हमारे बाल बच्चों के दिमाग में, जेहन में पहुंचेगी, तो वो क्या लग रहा है कि अपने भाइयों बहनों से लड़ेगा, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बेबी जब वहां पे लड़कियां डांस कर रही थी, उसमें एक चीज फिर से आया था, इंद्र जी भी जंभ पर, बाण सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पवन कहि राह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु सब राम द्विज राज, दावा द्रुदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, काम जिमे कंस पर, क्यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। सरर हो दिखा चले शत्रु राम में मिले हमने, जब जब शमशीरे थामी है वाहे भवानी। सरर आदियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यकी मन में थामी है वाहे भवानी। अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश लाज दे तेरी लाज हम जगे तेरे चरण की जगत मा जगदंबे है माय भवानी। स्वागत करत आहे। जीवन में ये अमर पानी अक्षर अक्षर गढ़ले
सेना। जय छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 फर्जे शाहजी राजे भोसले था। उनके पिता का सहवास उन्हें ज्यादा न मिल पाया, लेकिन उनकी माता ने उन्हें अच्छे संस्कारों और अच्छी शिक्षा दी थी। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान को वृंदावन में उनके सखाओं का साथ और सहयोग मिला, उसी प्रकार शिवाजी महाराज को उनके सखाओं का इस साम्राज्य स्थापना के सपने को साकार करने में पूर्ण सहयोग। अपनी जगह पे शांत रहो। और हमारे धर्म के रक्षक हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक जी में एक गरिमामयी चीजें हैं जो हम लोग अपने में आत्मसात कर सकते हैं। इनकी जो जीवनी है उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, वो चीजें और वो अनुभव लेके हम इतना पर ही अपने सारे कार्यक्रम को आज बंद करते हैं। सबको सनातन धर्म की जय।